हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर बैक अगेन विद अ न्यू टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। आज का अपना टॉपिक है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो अपन देखेंगे कि जो पोस्ट हार्वेस्ट जो अपन हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद में उसको हैंडलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो टर्म आती रहती है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग क्या होती है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पोस्ट हार्वेस्ट जो होता है ना वो टाइम पीरियड होता है कि आप टाइम ऑफ द हार्वेस्टिंग, ठीक है, आपने हार्वेस्ट कर लिया टिल दे आर द डिलीवर्स टू द कंज्यूमर। आपने हार्वेस्ट करने से टाइम से लेकर जो कंज्यूमर के डिलीवर करने तक का टाइम है उसको अपन बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट। मतलब उस टाइम तक अगर हम हैंडलिंग कर लेंगे, मतलब उसको मेंटेन कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, ठीक है। तो अपन इसमें इसकी चर्चा करने वाले अच्छी तरह से। उसके बाद में सबसे पहले है कि सबसे पहले क्या होता है, मतलब अपन क्या करते हैं हार्वेस्ट करने के बाद, ठीक है। एक टर्म आती है प्री कूलिंग। प्री कूलिंग क्या होती है कि रिमूवल ऑफ द फील्ड हीट, मतलब जो फील्ड हीट होती है उसको रिमूव करना होता है। इट इज़ स्लो डाउन द रेस्पिरेशन प्रोड्यूस। इसके अंदर क्या होता है कि अपन को कैसे भी करके आप जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो हार्वेस्ट करके लाते हो उसके अंदर फील्ड हीट होती है, अगर उसको आपने कम नहीं किया तो वो बहुत ही जल्दी जो है सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए उसको कम करने के लिए प्री कूलिंग होती है, ठीक है। ये क्या करती है कि स्लो डाउन कर देती है उसकी रेस्पिरेशन रेट को, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। मिनिमाइज़ कर देता है ससेप्टिबिलिटी टू अटैक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक को, मतलब जो मिनिमाइज़ कर देता है, ठीक है। और रिड्यूस द वाटर लॉसेस, जो वाटर लॉस हो चुका है उसको वापस प्री कूलिंग के द्वारा उसको वापस वाटर दे दिया जाता है ताकि वो जो है टर्जिडिटी अपनी मेंटेन रखता है और वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। और जो अपने लिए कूलिंग सिस्टम के लिए स्टोरेज के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये प्री कूलिंग होती है। वापस बताता हूँ, प्री कूलिंग होती है कि अपन को जो फील्ड हीट है उसको रिमूव करना होता है। कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल होती है उसके अंदर फील्ड हीट प्रेजेंट होती है और वो होने से क्या होता है कि जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फील्ड हीट को रिमूव करते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड है अपन देखेंगे इसमें कौन कौन से जो मेथड है उसके द्वारा अपन जो है फील्ड हीट को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले आता है रूम कूलिंग, ठीक है। इसके अंदर रूम कूलिंग के अंदर क्या होता है कि सबसे सिंपलेस्ट मेथड है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर होता है। अब आपको पता है कि जो इसको मेंटेन करने के लिए रेफ्रिजरेटर चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। उसके अंदर जो है कूलिंग कैपेसिटी होती है, उसके अंदर कुछ नहीं करना है, बस जाके उसको रख देना है प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोडक्ट को। और वो क्या करेगा कि जो है वो, मतलब उसके अंदर क्या करना है कि जैसे आपने उसके अंदर कंटेनर के अंदर जैसे इसमें एप्पल रख दिए या फिर आपने पोमग्रेनेट रख दिया, कुछ भी रख दिया, ठीक है, ब्रोकली रख दी वेजिटेबल्स में, तो उसको आपने रख दिया, उसको जाके रेफ्रिजरेटर रूम में रख देना है और वो जाके उसको ठंडा कर देगा धीरे धीरे। जैसे फ्रीज में नहीं रखता क्या, वैसे करते हैं इसमें। इसमें क्या है कि इसमें टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आप देखिए आपने कंटेनर में जो रख दिया, ठीक है, इसके अंदर पड़ा है आपका जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल आपने पड़ी है, तो अब क्या करेगा, कूलिंग होगी, तो कूलिंग पहले तो इसको ठंडा करेगी, ठीक है, फिर इसके अंदर धीरे धीरे जो ठंडक इसके अंदर पहुंचेगी तो लगभग इसमें टाइम लगता है, कुछ आवर से लेकर कुछ डे भी लग सकते हैं, एक दिन लग सकता है, ठीक है, कूलिंग के लिए। फिर कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं उनको जो तुरंत कूलिंग चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर कुछ दिन से कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन लग गए तो वो ख़राब होने की संभावना होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर होता है कि फोर्स एयर कूलिंग। आपने वो देखा नहीं होगा क्या कि आजकल वो आता है, ठीक है, लड़कियाँ खुद को जो बाल सुखाने के लिए ऐसा करके क्या बोलते हैं इसको, ये जो बाल सुखाने के लिए इसमें फोर्स से जो है एयर आती है, ठीक है, ड्रायर बोलते हैं इसको, ठीक है, अपन जो बाल कटाने जाते हैं तो इससे अपन जो है बाल जो ड्राई करता है, तो वैसे ही इसके अंदर तो क्या है गर्म आती है, ठीक है, और ऐसी हवा आती है, तो इसके अंदर क्या है कि ठंडी हवा आएगी और फोर्स से आएगी, तो उसके द्वारा क्या होगा कि इसमें क्या रैपिड मेथड एक तो, ठीक है, और कोल्ड एयर इज फोर्स टू द फ्लो थ्रू द इनसाइड द कंटेनर, ईच कंटेनर। अब ईच कंटेनर के अंदर फोर्स ठंडी भेजता है तो ये जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। और जैसे ग्रेप हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर ये क्या है कि जल्दी, क्योंकि ग्रेप्स जो होती है स्ट्रॉबेरी होती है वो क्या जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उसको जो मेंटेन करने के लिए अपन ये फोर्स कूलिंग लेते हैं, ठीक है। एक होता है वाटर कूलिंग जिसको हाइड्रो कूलिंग बोलते हैं, ये बहुत ही सस्ता है, ठीक है, ये सब ज़्यादा यूज़ में लेते हैं गाँव में। इसमें क्या करते हैं, देखो रैपिड भी है और लेस एक्सपेंसिव, पैसे भी बहुत कम लगते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है कि आपने देखा होगा ज़्यादातर गांव में क्या करते हैं कि जो टमाटर वगैरह होते हैं या फिर कुछ भी होते हैं तो उसको आप पानी में डुबा दो थोड़ी देर तक, ठीक है, और वापस निकाल दो। जैसे आपको जो ओनियन होता है, ओनियन की लीफ होती है, ठीक है, जो ओनियन लीफ की बात कर रहा हूँ मैं, जो लीफ अपन सब्जी बेचते हैं, वो क्या करते हैं उसको पानी में डुबो के, जैसे कैबेज हो गया, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं कि आप जो है सीधी ले जाओ उसके अंदर ठंडे पानी में उसको रख दो, ठीक है, कुछ मिनट तक डुबा के रख दो और उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। पर ये सारे जो प्रोडक्ट है उसके लिए नहीं आता, कुछ होते हैं जिसको मतलब पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, वो पानी में ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। लीफी वेजिटेबल्स वगैरह के लिए अच्छा है, जैसे पालक वगैरह पानी में से निकाल लेते हैं तो उसकी जो फील्ड हीट है वो रिमूव हो जाती है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्री कूलिंग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर फील्ड हीट रिमूव कर रहे हैं अपन डिफरेंट तरीके से, ठीक है। फिर आता है वैक्यूम कूलिंग, ये तो बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव है, ठीक है, अपने देश में बहुत ही कम होता है, बाहर की कंट्री में सब ज़्यादा होता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि
मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि समझ लो, आपको पता है कि ऊंचे स्थानों पर जो आपने पढ़ा होगा, ऊंचे स्थानों पर खाना जल्दी क्यों पक जाता है कम टेम्परेचर पे। तो क्या होता है कि ऊपर जब जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे तो अब क्या होगा कि प्रेशर कम होगा, एयर का प्रेशर, और जैसे ही एयर का प्रेशर कम होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ठीक है वो कम हो जाएगा। अब अपने नॉर्मल जो होता है ठीक है वहाँ पर 100 डिग्री पे जो पानी उबलता है ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है, पर अगर आप चले गए ऊपर ठीक है यहाँ पर 100 डिग्री पर, तो अगर आप 4477 मीटर पर चले गए पहाड़ पर, तो वहाँ पर जो है 87 डिग्री पे ही जो है पानी जो है उबलने लग जाएगा ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि जो अपने मंगल है ठीक है मास, उस पर अगर आप चले गए तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी उबलने लग जाएगा। मतलब जो पानी है वो प्रेशर से, मतलब जैसे प्रेशर अगर कम हो गया ना तो पानी जो है जल्दी उबलने लग जाएगा। तो इसके अंदर क्या करते हैं वैक्यूम कूलिंग के अंदर, कि समझ लो ये कंटेनर है ठीक है, मतलब ये कंटेनर है या फिर ये वेजिटेबल्स है। अब इसके अंदर हीट भरी हुई है ठीक है, फुल हीट है इसके अंदर। अब ये इसको क्या करेंगे, एक एक इसमें ले जाएंगे, एक चैम्बर होता है उसके अंदर इसमें जो है बिल्कुल जो है मतलब प्रेशर कम कर देंगे, एयर प्रेशर कम कर देंगे। अब आप देखो एयर प्रेशर करने से मैंने क्या बताया था कि मंगल पे जो है 60 डिग्री पे पानी जो है मतलब उबलने लग जाता है, तो ये क्या करेंगे उबलने लग जाता है, मतलब टेम्परेचर 60 डिग्री है पर पानी उबल रहा है इस पर ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हीट लग रही पीछे से ठीक है। तो इसको क्या करेंगे एकदम वैक्यूम कंडीशन में ले जाएंगे और जो एयर प्रेशर बिल्कुल कम कर देंगे। अब इसके अंदर जो हीट होगी ना वो बाहर आएगी पानी ठीक है, मतलब हीट के रूप बाहर आएगा, इसको ही ठंडा कर देगा। तो इसको बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है ये, फिर इसका जो वापस जो है मेंटेन करने के लिए इसको वापस ठंडे ठंडे पानी भी दे देते हैं ताकि ये वापस ट्रिगर प्रेशर अपना मेंटेन कर लें। और ये बहुत ही रैपिड मेथड है कूलिंग का ठीक है, आप YouTube पर सर्च करना आ जाएगा ये क्या होता है ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट इज प्लेस इन साइड द वैक्यूम ट्यूब, मैंने बताया था, इन विच एयर प्रेशर इज रिड्यूस, एयर प्रेशर को कम कर देते हैं, व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस हो जाएगा ठीक है 4.6 mm, तो इसको रिड्यूस हो जाएगा तो वाटर बॉयल हो जाएगा 0 डिग्री पे, इतना कम कर देते हैं इसमें कि वाटर 0 डिग्री पे बॉयल करने लग जाएगा फ्रॉम द ऑल ओवर द लीफ सरफेस ठीक है। और द बॉइलिंग इफेक्ट ड्रा द हीट वेपोराइजेशन हैंस द कूल द प्रोड्यूस एंड, ये क्या लिखा हुआ है, द कूलिंग टाइम इज यूजुअली ऑर्डर टू द, देखो ये 20 से 30 मिनट में जो है आपको ठंडा हो जाएगा। अब और इससे जल्दी क्या हो सकता है, तो ये बाहर के देशों में ज़्यादा रहते हैं, अपने यहाँ एक्सपेंसिव होता है इसके अंदर, मतलब मशीनों से इसके अंदर रखते हैं फिर जो वैक्यूम क्रिएट करते हैं ठीक है। फिर होता है कि एक होता है पैकेजिंग आइसिंग या टॉप आइसिंग, इसके अंदर क्या होता है कि आपने आइसक्रीम खाई होगी उसके अंदर वो गोला खाया होगा, वो क्या करता है बर्फ को घिसता है पहले ठीक है, बर्फ को घिस के गोला बना के देता है या फिर ऐसे देता है उसके अंदर कलर डाल के, तो वो बर्फ को घिसता है, नीचे वाले घिस जो बर्फ घिसी हुई होती है ना वो क्या करते हैं कि सीधा वेजिटेबल्स के कंटेनर में या वेजिटेबल्स के फ्रूट के कंटेनर में डाल देते ठंडा ठंडा, तो वो क्या होगा ठंडा ठंडा रहेगा तो पानी धीरे धीरे पिघल जाएगा और पिघल के क्या हो जाएगा ठंडा ठंडा हो जाएगा वो ठीक है, और उसकी फील्ड हीट रिमूव हो जाएगी। ये क्या लिखा हुआ है, एडिंग क्रश्ड आइस, मतलब क्रश करके जो आइस होती है उसको ठीक है, फ्लैक आइस ऑफ द स्लरी इस कंटेनर ठीक है, ये डायरेक्ट इसके अंदर डाल देते हैं स्लरी इसके अंदर आइस की। ये क्या करते हैं कि उनके लिए सुटेबल नहीं है जो आइस कोल्ड सेंसिटिव वेजिटेबल्स है, कुछ होती है वो ठंडे पानी को सहन नहीं करती है ठीक है। ये उपयोगी किसके लिए, जैसे ब्रोकली होगी उसके लिए अच्छी है ये, कैरेट के लिए अच्छी है, ओनियन के लिए अच्छी है, चाइनीज कैबेज के लिए अच्छी है, उसके लिए अच्छी है ठीक है। फिर होता है क्यूरिंग, क्यूरिंग क्या होता है कि अपन को क्या करता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आपने जो गार्लिक होता है, ओनियन होता है ठीक है, पोटेटो होता है, उसको क्या होता है कि उसको जो है ऊपर से सुखाना जरूरी होता है क्यूरिंग। आपने देखा होगा ओनियन के ऊपर जो छिलका वो सूखा होता है, उससे क्या होता है कि जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और उससे वो लॉन्ग टाइम तक रह सकता है, तो उसको क्यूरिंग कहते हैं ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इस डेल इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद में इसको फटाफट करना पड़ता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि एक हायर टेम्परेचर ठीक है, ह्यूमिडिटी पे उसको रखते हैं ठीक है, स्टरलाइजेशन ऑफ द आउटर टिश्यू फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द वाउंड पेरिडम ठीक है। अब उसके अंदर क्या करते हैं कि स्टरलाइज करते हैं आउटर टिश्यू को, ताकि वो क्या हो जाएगा, जैसे आपने देखो लहसुन वगैरह होते हैं उसके सूखे सूखे होते हैं, ताकि वो क्या होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं हो सकती उसके अंदर, उसके अंदर कुछ वाउंड्स भी होगा तो वो भी सूख जाएगा, तो उससे भी जो है वो सुरक्षित रहेगा। तो इसके लिए क्यूरिंग करते हैं ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग टेम्परेचर, जैसे स्वीट पोटेटो के लिए 33 डिग्री टेम्परेचर और 95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, पोटेटो है उसके लिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 2 दिन तक रख दो इसको ठीक है, या फिर 7 से लेकर अगर 10 डिग्री टेम्परेचर है तो आपको 10 से 12 दिन रखना पड़ेगा। ओनियन के लिए 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड फील्ड पे हो सकता है ठीक है, उससे 3 से 5 दिन लगेंगे उसको सूखने के लिए, पर अगर आप आर्टिफिशियली करो तो 40 डिग्री टेम्परेचर आप मेंटेन करके 16 घंटे के अंदर आप उसको जो है क्यूरिंग कर सकते हो ठीक है, उसकी जो आउटर लेयर है उसको सुखा सकते हो। फिर होता है डीग्रीनिंग, डीग्रीनिंग में क्या होता है कि जो जो फ्रूट्स होता है ठीक है वो मैच्योर के बाद में जो राइप होता है, तो वो क्या होता है कि आपने देखा होगा मैंगो होता है वो पहले ग्रीन कलर का होता है, फिर वो जो है मैंगो जो है मैंगो कलर में आ जाता है ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि डीकम्पोजिशन ऑफ द ग्रीन पिगमेंट, जो ग्रीन पिगमेंट है वो उसका डीकम्पोजिशन होता है, इन प्रोड्यूस फ्रूट अप्लाईली इथाइलिन, या तो आप इथाइलिन का करो या अदर जो मेटाबोलाइट्स इंड्यूस है ठीक है उसका उपयोग करके आप जो है उसके अंदर जो डीकम्पोज द ग्रीन पिगमेंट्स उसको रिड्यूस करना है, तो उससे ठीक है राइपनिंग के लिए आपको पता है इथाइलिन होता है ठीक है, तो इथाइलिन क्या होता है कि 20 ppm ठीक है
इसमें ऑप्टिमम मानी गई है कि 20 ppm, देखो 100 ppm भी होता है, ठीक है, मैंगोज वगैरह में 100 ppm, पर 100 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो CO2 है उसका लेवल भी जो है 1% से कम होना चाहिए, और ये जो टेम्परेचर दे रखा है ये ऑप्टिमम है सबके लिए कि 27 degree centigrade और 85 to 90 degree रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है, आप अगर डी ग्रीनिंग कर रहे हो तो ये डी ग्रीनिंग ये पूछते हैं, ठीक है, कि कौन कितने टेम्परेचर पे डी ग्रीनिंग करते हैं, तो 27 डिग्री पे 85 से लेकर 95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी तक, ठीक है। फिर होता है वाशिंग एंड ड्राइंग, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं आपको पता है, धो देते हैं ताकि क्या होता है कि इंप्रूव देयर अपीयरेंस, मतलब आप समझ लो टमाटर को धो दिया तो वो चमकने लग जाएंगे, ठीक है, प्रिवेंट द विल्टिंग, ठीक है, मतलब जो वो मतलब उसमें विल्टिंग नहीं होगी क्योंकि उसमें जो टर्क प्रेशर वो मेंटेन हो जाएगा सेल का, ठीक है, रिमूव द प्राइमरी इनोकुलेशन, उसके अंदर कुछ फंगजाई वगैरह स्पोर वगैरह लगे होंगे तो वो धुल जाएंगे, तो प्राइमरी इनोकुलम जो नहीं होगा तो डिजीज जल्दी नहीं आएगी। फिर होता है शॉर्टिंग और फिर होता है ग्रेडिंग, ठीक है। शॉर्टिंग के अंदर क्या करते हैं कि इमेच्योर या डिजीज या बैडली जो है ना उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और जो अच्छे अच्छे होते हैं उनको रख लेते हैं। वो ग्रेडिंग में क्या होता है कि ग्रेड के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। अब आपने टमाटर में देखा होगा कि ज़्यादातर क्या करते हैं, देखो टमाटर के अंदर सबसे सड़े हुए टमाटर को फेंक देना तो वो तो होता है सॉर्टिंग, और ग्रेडिंग क्या होता है कि उसमें अच्छे अच्छे टमाटर समझ लो, ठीक है, लाल और जो है पीले कलर के उसको अलग रख दिया, ठीक है, एकदम लाल 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 है उसको अलग रख दिया, ठीक है, हरे उसको अलग रख दिया, तो ऐसे ग्रेड के अकॉर्डिंग जमाना होता है ग्रेडिंग, ठीक है। फिर होता है डिसइन्फेक्शन, इसमें क्या करते हैं कि वेपर हीट ट्रीटमेंट जो मैंगो के अंदर करते हैं, ठीक है, 43 degree centigrade पर जो सेचुरेटेड एयर होती है, ठीक है, उसको जो है 6 to 8 hours तक देते हैं तो वो क्या इन्फेक्शन जो है उसका हट जाता है। या इथाइलिन डाइब्रोमाइड जो फ्यूमिगेशन है, ठीक है, वो भी देते हैं इसके अंदर ताकि वो जो है डिसइन्फेक्शन हो सकते हैं, अगर उसके अंदर इंसेक्ट को कोई दिक्कत है वो हट सकता है, ठीक है। और इसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए फंगस वगैरह के लिए क्या करते हैं कि बाविस्टीन 0.1% या टॉपसिन ले लो, या ठीक है बाविस्टीन बैंडलेट कुछ भी ले लो, तो इसके अंदर ये क्या, ये मतलब जो है 0.1% का आप जो है इसको यूज़ करके जो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट है जो आप जो इन्फेक्शन है उससे आप राहत पा सकते हो। फिर होता है वैक्सीन, वैक्सीन के अंदर आप क्या होगा कि आपने देखा होगा कि ये जो फ्रूट्स है इसके एक तो नेचुरल वैक्सीन होती है, एक आर्टिफिशियल वैक्सीन होती है। नेचुरल वैक्सीन के अंदर पता है आपको फ्रूट्स में जैसे आपने एप्पल में देखा होगा तो नेचुरल भी होती है उसके अंदर, ठीक है, आप उसको अगर हल्का से ऐसे नाखून से करोगे ऐसे से तो उसके अंदर जो वैक्स निकलेगी वाइट वाइट कलर की, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं आर्टिफिशियली उसके अंदर वैक्सीन कर देते हैं ताकि क्या होता है कि इन्फेक्शन कम होता है उससे, ठीक है। एक तो देखो वैक्सीन कितनी प्रकार की होती है, देखो एक तो होती है स्टोरेज वैक्स, ठीक है, व्हेन द हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस इज नॉट मार्केटेड इमीडिएटली, ये अपन को मार्केट इमीडिएटली नहीं बेचना है तो उसके लिए अलग वैक्स आती है। एक होता है पैक्ड आउट वैक्स, ठीक है, जो आपको फटाफट बेचना है तो उसके लिए भी आती है वैक्स। एक आता है हाई सेन वैक्स, इसके अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा रिलायंस वगैरह होती है, ठीक है, बड़े बड़े मॉल होते हैं उसके अंदर वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह चमकते क्यों है, बाहर वाले थैले के बाहर थैला लगा होता है बाहर उस पर नहीं चमकते क्योंकि वो उस पर वैक्स की लेयर चढ़ा देते हैं। अब लोग क्या सोचते हैं यार ये चमक रहा है यहाँ पर कितने फ्रेश मिलते हैं, उनको पता नहीं है फ्रेश नहीं है, वो वैक्स लगी हुई उस पर, ठीक है, वो चमक रहा है, और बाहर जो थैले वाले होते हैं उनसे नहीं लेते और पैसे वो ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, वैक्स के, उल्टा वैक्स जो होता है वो नुकसान ही करेगी, आपको फायदा तो करेगी नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि जो रिलायंस वगैरह या फिर जितने बड़े मॉल्स होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं कि उसको मतलब अच्छा दिखने के लिए उस पर जो मार्केट की डिमांड है एप्पल में जो शाइनिंग के लिए लगभग वैक्स यूज में लेते हैं, ठीक है। अब आपको भी अगर वैक्स करनी हो, आप अगर फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो, आप सोचते हैं मेरे भी अच्छा जाए, तो आप मार्केट में जाके तो ऐसे नहीं बोलोगे भाई वैक्स दे दे, ठीक है, उसका जो ट्रेड नेम है वो क्या होता है फ्रूटोक्स होता है। इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की वैक्स होती है, ठीक है, 12% जो होता है सॉलिड होता है, ठीक है, उसके अंदर एक आता है वैक्सोल O12, उसके अंदर क्या होता है कि ऑयल इमल्जन होता है, और वैक्सोल W12 इसके अंदर वाटर इमल्जेंस होता है, ठीक है, इसके अंदर भी 12% सॉलिड होता है, या फिर उसको बोल दो भाई राल प्रोलोंग दे दे तू, ठीक है, या फिर देखो सैम्पर फ्रेश दे दे तू, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्लैन दे दे, या फिर उसको से बोलोगे तो वो दे देगा आपको, ठीक है, अलग अलग प्रकार की आती है जैसे, ठीक है। फिर एक होता है इरेडिएशन, के अंदर क्या होता है कि इसको बोलते हैं कोल्ड स्टेराइजेशन, ये पूछा हुआ है कि कोल्ड स्टेराइजेशन कहते हैं इसको। अब स्टेराइजेशन का नाम सुनते तो यार सोचते हैं स्टेराइजेशन में तो टेम्परेचर हाई होता है, ये कोल्ड स्टेराइजेशन क्या हो गया, तो ये होता है इरेडिएशन। इसके अंदर क्या करता है गामा रेज का यूज करते हैं, और गामा रेज का यूज से जो है उसके इन्फेक्शन को या उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाते हैं। इसके अंदर डोज को जो आप मेजर करते हैं, ठीक है, किलोग्रेज इसको उसमें मेजर करते हैं, और लो इसमें क्या होती है एक जो किलोग्रेज है इससे अगर कम होगी तो आपका जो है मतलब लगभग लॉन्ग टाइम तक रहेगा, पर मीडियम अगर 10 तक आपने कर दिया तो इसके अंदर फंजाई बैक्टीरिया सब कुछ मर जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो ये इसकी मीडियम डोज लो डोज है। फिर होता है प्री पैकेज प्लास्टिक फिल्म, इसमें क्या होता है कि आपको क्या करता है कि इसमें क्या करते हैं कि जो समझ लो कंटेनर है एक बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं बॉक्स के अंदर CO2 का लेवल है वो इंक्रीज कर देते हैं। CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगी तो वो ज़्यादा देर तक रहेगा, तो उसको पैकेज करने के लिए जो है उसमें देखो पॉलीस्टाइरीन ले लेते हैं या सेलुलोज एसीटेट की फिल्म लगा देते हैं उसके ऊपर ताकि जो है CO2 को मेंटेन रखे, बाहर निकल जाएगी फिर क्या मतलब रहेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा ड्यूरेबल्स के लिए जो है LPE
LDPE मतलब जो लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, ये भी यूज़ में लेते हैं उसको, जो मतलब ये क्या है कि ड्यूरेबल है, वापस भी ले सकते हैं आप उसको यूज़ में, ठीक है। इसके अंदर जो CO2 टेम्परेचर मेंटेन, अब एक होता है पेटलाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर हैंडलिंग करते हैं, ठीक है, तो मैनुअली होती है, मशीनों से नहीं होती। मशीनों से क्या करती है, मशीन तो सिस्टम में ढंग से उठा कर रख देती है। इंडिया के अंदर जो क्या है, आदमी करता है, मैनुअली करता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ऐसे फेंक देता है, तो मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो मतलब टूटने या खराब होने के, जो क्रश होने का डर ज़्यादा रहता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि एक जो पेटल सिस्टम है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि कभी आपने अगर फ्रूट्स का जो आपने देखा होगा कभी कार्टून, तो उसके अंदर क्या होता है कि ऐसे मतलब उसके अंदर बाहर अखबार वगैरह लपेट देते हैं या पेटल्स बना देते हैं उसके अंदर सिस्टम में, ताकि दम से अगर वो इधर उधर मतलब उसके लगे भी ना तो वो फ्रूट्स डैमेज नहीं हो, ठीक है, ऐसे करके उसमें भर देते हैं मतलब न्यूज़पेपर वगैरह, ताकि वो क्या है कि उसको बोलते हैं कि पैलेट सिस्टम बोलते थे उसको, तो पैलेट्स के सिस्टम के थ्रू उसको जो है बचाते हैं उससे, ताकि वो जो है मिसहैंडलिंग नहीं हो उसकी, ठीक है। तो ये आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।